गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन, न्यू टॉपिक। ओके, सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था जब मैंने स्टार्टिंग में ये टॉपिक पढ़ा था। तो आज के जो टॉपिक का नाम है, उसका नाम है राउटर ऑन स्टिक, और कुछ लोग उसको इंटरविलेन राउटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि मैं उसको इंटरविलेन राउटिंग ही बोलता हूँ, लेकिन कुछ बुक्स में उन्होंने मेंशन किया है राउटर ऑन स्टिक। तो इसमें कन्फ्यूजन ना होए, बोथ आर सेम टॉपिक। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक बेसिक टोपोलॉजी बनाई है। अगर आप टोपोलॉजी को ध्यान से देखते हो तो मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ पे कॉन्फ्यूशन किया नहीं है। सेम एज अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखते हो तो आपको पता ही है विलेन का कॉन्फ्यूशन किस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने विलेन 10 का कॉन्फ्यूशन किया और यहाँ पे विलेन 20 का कॉन्फ्यूशन किया है। ओके, काफ़ी आसान कॉन्फ्यूशन है, इजी कॉन्फ्यूशन है। अभी तक मैंने उसके ऊपर में कुछ भी कॉन्फ्यूशन नहीं किया है। यहाँ पे आप सीरीज देख सकते हो, तो इस तरीके से मैंने एक बेसिक कॉन्फ्यूशन किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा फर्स्ट यूज़र पीसी दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस यूज़र पीसी से मैं थर्ड नंबर की यूज़र पीसी को पिंग करके देखूँगा। ठीक है, मतलब देखूँगा रीचेबिलिटी है कि नहीं। ओके, वैसे तो नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज ये 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्लास ए का, और ये क्लास ए का 20 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली बात है कि अगर डिफरेंट नेटवर्क एक तो एक दूसरे के साथ पिंग नहीं होगा, रिचेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे के केस में भी हम लोग चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फर्स्ट यूजर पीसी से। जैसे कि मैंने बताया, मैं थर्ड वाले यूज़र पीसी को पिंग करूँगा। फर्स्ट चेक कर लेता हूँ मैं आईपी एड्रेस दिया है कि नहीं, शायद से मैंने नहीं दिया है, बस स्टिल मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, मैंने आईपी एड्रेस नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ, 10.1.1.1। ओके, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लिया उसने। सेम एस यहाँ पे भी कर देता हूँ असाइन, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फिगरेशन 10.1.1.2, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लिया। मैं टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे आप टैब दबाओगे ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। 20.1.1.2 टैब दबाओगे ऑटोमेटिक सबनेट मास्क ले लेगा। अगर यहाँ पे मैं क्लासिक का नेटवर्क, क्लासिक का आईपी एड्रेस डालता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लासिक का सबनेट मास्क ले लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्लासिक का आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा। एक मिनट, अभी देखो, करेक्ट। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 20.1.1.2, अब देखो करेक्ट चेंज हो गया। तो ये सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने बताया स्विच के ऊपर मैंने क्या कॉन्फ्यूजन किया। स्विच के ऊपर मैंने दो विलेन क्रिएट किए, एक विलेन का नाम है आईटी और दूसरे विलेन का नाम है सीएस। ओके, मैं आईटी इज़ अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बना दिया मैंने एक, और एक बना दिया सीएस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ओके, सो मैंने इस तरीके से विलेन क्रिएट किए, और फर्स्ट टू यूज़र्स जो विलेन 10 में डाला है आईटी डिपार्टमेंट में, और नेक्स्ट टू यूज़र विलेन 20 में डाला है जो कि सीएस डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम लोग बात कर रहे थे इंटरविलेन राउटिंग की। इंटरविलेन राउटिंग मीन्स क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट यूज़र है वो थर्ड यूज़र से पिंग हो रहा है कि नहीं। जैसे कि अभी मैंने तक यहाँ तक दिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे पिंग हो रहा है कि नहीं वो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है और हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरविलेन राउटिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट यूज़र पे हिट कर रहा हूँ, डेस्कटॉप ये क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट से मैं पिंग करता हूँ 20.1.1.1। डेफिनेटली है, डेफिनेटली नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेटवर्क में। ठीक है, इस तरीके इसलिए नहीं होगा, लेकिन मैं 10.1.1.2 को करता हूँ तो चेक करता हूँ, होना चाहिए बिकॉज सेम नेटवर्क में। ओके, तो यहाँ पे तक तो हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले सेशन देख चुके, तो हमें एक बेसिक आइडिया है कि विलेन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग जब भी इंटर विलेन राउटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे ध्यान रहना है, जब भी इंटर विलेन राउटिंग करते हैं तो हम लोग L3 डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। L3 डिवाइस मतलब मैं राउटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, राउटर क्या करेगा, स्विच के साथ कम्युनिकेशन करेगा। ओके,
मीन्स अगर मुझे राउटर विलेन 10 को विलेन 20 के साथ कम्युनिकेशन करना है तो वो सबसे पहले स्विच के ऊपर हिट करेगा। यहाँ पे मैं यूज़र पीसी के ऊपर गेटवे डिफाइन करूँगा और वो गेटवे डिसाइड करूँगा मैं राउटर का, ठीक है, राउटर के इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करूँगा वो मैं गेटवे डिसाइड करूँगा। सेम एज अगर मैं विलेन 20 के लिए देखता हूँ वो भी स्विच के ऊपर हिट करेगा और यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग, मतलब जो यूज़र पीसी दिख रहे हैं नीचे में इनके ऊपर डिफाइन करेंगे गेटवे जो कि इंटरफेस का राउटर के इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा था जिस टाइम मैं टेक्नोलॉजी पढ़ रहा था तब मुझे थोड़ा सा डाउट था कि हम लोग एक ही इंटरफेस से किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे उस टाइम पता था कि मैं एक इंटरफेस को एक ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता था, बट मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला कि हम लोग एक पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर में सब इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मैं एक ही इंटरफेस को दो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी न्यू भी चीज़ है, आप पूरा वीडियो लेक्चर देखो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक राउटर है, राउटर ले रहा हूँ मैं 2811 सीरीज़ का राउटर ले रहा हूँ, ओके, काफ़ी बेसिक राउटर है। केबल कनेक्टिविटी कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट केबल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं पोर्ट कनेक्ट करता हूँ F0/5 और राउटर के F0/0 के ऊपर कनेक्ट करता हूँ, ओके। यहीं से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये सिंगल पोर्ट को दो आईपी एड्रेस असाइन करने वाला हूँ, वो और वो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ राउटर वन के ऊपर, एक ही राउटर है हमारे पास, एनेबल। सबसे पहले मैं इस पोर्ट को कर देता हूँ नो शटडाउन, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी मुझे करना है सब इंटरफेस क्रिएट, इंटरफेस F0/0.10, ओके, मैं विलेन 10 के लिए इस तरीके का सब इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। एनकैप्सुलेशन .1Q, यहाँ पे मैंने जो विलेन आईडी यूज़ किया है इस साइड में अगर आप चेक कर सकते हैं तो मैं विलेन 10 यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ विलेन 10 के लिए 10। ऑलराइट, अभी मैं आईपी एड्रेस असाइन करूँगा। आईपी एड्रेस क्या असाइन करूँगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो यूज़र्स है, 10.1.1.1 एंड 10.1.1.2। सो मैं डिसाइड करता हूँ, यहाँ पे मैं गेटवे असाइन करता हूँ 10.1.1.10, ओके। तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मैं असाइन कर देता हूँ 10.1.1.10 जो कि विलेन 10 के लिए गेटवे होगा, और 20.1.1.10 ये कि विलेन 20 के लिए गेटवे असाइन करेंगे हम लोग, ओके। तो ये भूलना मत, आप नोट डाउन कर लो ये। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करने, आईपी एड्रेस 10.1.1.10 255.255.255.255.000, बिकॉज क्लास ए का नेटवर्क है, नो शट डाउन देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने उसको नो शट कर ही दिया है स्टार्टिंग में, अगर आप यहाँ पे देख सकते तो, ओके। तो हमें अभी नो शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में भी चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फास्ट इंटरनेट हम लोगों ने उस पर्टिकुलर इंटरफेस को एडमिनिस्ट्रेटिवली अप कर दिया है, और सेकंड चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक सब इंटरफेस क्रिएट किया, उसको आईपी एड्रेस असाइन किया। सेम इसी तरीके से मुझे और एक सब इंटरफेस क्रिएट करना है और उसको आईपी एड्रेस असाइन करना है विलेन 20 के लिए, ओके। तो सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटरफेस F0/0.20 एनकैप्सुलेशन .1Q विलेन 20 के लिए 20, ऑलराइट, आईपी एड्रेस 20.1.1.10 255.000, ओके। अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो इंटरफेस क्रिएट कर लिए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे यूज़र पीसी दिख रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यूज़र्स क्रिएट किए, ठीक है, इस साइड में, इनको तो अभी तक मैंने गेटवे असाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं वो गेटवे असाइन कर देता हूँ। जब तक गेटवे असाइन नहीं होगा तो यूज़र पीसी को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे गेटवे डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.1.1.10 क्योंकि विलेन 10 के लिए मैंने 10 का 10.1.1.10 असाइन किया है। सेम एज यहाँ पे भी असाइन कर देता हूँ, ये भूलना नहीं, अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो तो आपका इंटरविलेन राउटिंग प्रॉपर वर्क नहीं करेगा,
सेकंड थिंग, आईपी एड्रेस में भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आईपी एड्रेस में ही गड़बड़ करते हैं और बोलते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल रॉन्ग हो रहा है, हमें अब पर्टिकुलर आउटपुट नहीं आ रहा है। तो मोस्टली जब भी हम लोग CCNA, NPI और एनी अनदर लेवल, CCI लेवल, सिक्योरिटी, कोई भी लेवल के प्रैक्टिकल करते हैं जिसके अंदर हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, सो बेसिकली प्रॉपर आईपी एड्रेस असाइन करना चाहिए। जैसे कि अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे 20 डाल रहा था गलती से, तो मैंने गेटवे 10 डिफाइन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ठीक है। तो मैं वही गेटवे यहाँ पे असाइन करूँगा, अगर मैं गलत गेटवे डालूँगा तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया मेरा। अभी मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अभी तो आपने राउटर कॉन्फ़िगर किया, यूज़र पीसी कॉन्फ़िगर किया और स्विच के ऊपर वीलैन का भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, लेकिन अभी तक मैंने F0/5 इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। तो अभी मैं कॉन्फ़िगर नहीं करता इसको, पहले चेक करते कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट यूज़र पे जा रहा हूँ मैं, फर्स्ट यूज़र से मैं थर्ड यूज़र जिसका आईपी एड्रेस है 20.1.1.1, मैं उसको रीच करने की कोशिश करता हूँ, उसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक पिंग नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने राउटर तो कॉन्फ़िगर किया लेकिन राउटर के साथ जो कनेक्टेड पोर्ट है F0/5 उसको अभी तक तो कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ओके, तो मीन्स क्या हो रहा है यहाँ इस केस में, अगर हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है F0/5 ये पर्टिकुलर पोर्ट मेरा वीलैन का ट्रैफिक लेके जा रहा है आगे में। सो डेफिनेटली ये पोर्ट को मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ट्रंक मोड में। अगर आप ये सिंगल कमांड में मिस करते हो तो आपका प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेगा। सो एक सिंगल कमांड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है यहाँ पे। एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 और राइट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ओके स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन ऑल, ठीक है। ये कमांड हालांकि नहीं आती है क्योंकि पैकेट जैसे में अगर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक भी डालते हो तो सभी के सभी विलन को अलाउ कर देता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन ऑल ये कमांड डाली, लेकिन यहाँ पे आप ओनली वन कमांड देख सकते हो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बैकएंड में चलती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप रखो, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले अंबर कलर का लाइट ब्लिंक हो रहा था, अभी ग्रीन कलर का हो गया। अभी सेम चीज़ हम लोग दोहराते हैं। इसके पहले मैंने पिंग किया था फर्स्ट यूज़र से थर्ड यूज़र, थर्ड यूज़र का जो आईपी एड्रेस है 20.1.1.1, सेम मैं पिंग करके देखता हूँ, अभी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोगों को ट्रबल शूट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पैकेट रीच हो रहा है, ठीक है। अभी सेकंड यूज़र को मैं पिंग करके देखता हूँ, डेफिनेटली 20.1.1 को पिंग हो रहा है, सो 20.1.1.2 को भी पिंग होगा, ठीक है। तो अभी मैं रिवर्स साइड से पिंग करके देखता हूँ, मतलब थर्ड यूज़र से फर्स्ट यूज़र को पिंग करके देखता हूँ, यहाँ से भी होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, यहाँ से भी पिंग हो रहा है, उसके दूसरे यूज़र से उसको भी मैं पिंग कर रहा हूँ, इसको भी पिंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, आज के प्रैक्टिकल में हम लोगों ने देखा कि राउटर ऑन स्टिक, कुछ लोग इसको बोलते हैं इंटरविलैन राउटिंग, मैं खुद इंटरविलैन राउटिंग बोलता हूँ, राउटर ऑन स्टिक काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल है, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था, बिकॉज मुझे हमेशा से जानना था कि एक इंटरफेस पे हम लोग दो आईपी एड्रेस किस तरीके से साइन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कर सकते हैं, आप ट्राई करो, ये प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो विलेन लिए थे, आप और एक विलेन ले लो, चार विलेन ले लो, बड़ा टोपोलॉजी रहेगा, सीखने में भी मज़ा आएगा और प्रैक्टिकल करने में भी मज़ा आएगा। उसके बाद आप स्विच के ऊपर विलेन का कॉन्फ़िगरेशन करो, राउटर के ऊपर इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर विलेन असाइन करो, आईपी एड्रेस प्रॉपर दो, गेटवे प्रॉपर दो और चेक करो पिंग वगैरह करके किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो मैंने तो एक बेसिक टोपोलॉजी लिया है, आप यहाँ पे एक ज़्यादा बड़ा टोपोलॉजी लेके आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, मैंने अनदर वीडियोस भी अपलोड करके रखा है, ठीक है। आपकी कुछ रिक्वेस्ट है कुछ पर्टिकुलर वीडियोज़ के लिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली वो वीडियोज़ बनाऊँगा। सो यहाँ पर हम लोग ये वाला सेशन कंप्लीट करते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।